हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे 32 फिट बाई 75 फिट प्लॉट की प्लानिंग के बारे में। ये फ्रेंड्स जो हमारा प्लॉट है, ये हमारा ईस्ट फेसिंग का प्लॉट है। ईस्ट साइड में ही इसका मेन रोड है और इसके जो तीन अदर साइड हैं, तीनों अदर साइड में अदर लोगों की प्रॉपर्टी है। तो आज की वीडियो में हम आपसे इसी के मैप के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये फ्रेंड जो हमारा मैप है, ये हमारा 4 रूम का डिज़ाइन है, जिसमें हमारे 4 रूम होंगे। 4 रूम के साथ में विद कार पार्किंग हमारा इसका डिज़ाइन रहेगा। इसमें हमारा अलग लिविंग रूम रहेगा और अलग ही हमारा इसमें डाइनिंग एरिया रहेगा। तो आज इसी मैप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे रेड बटन को क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स, हमने जो एंट्री दी हुई है, वो हमारी 10 फीट वाइड की मेन एंट्री है और एक हमने 4 फीट वाइड की भी एंट्री रखी हुई है। तो ये जो हमारी एंट्री होगी, इसे हम कार पार्किंग पर्पस यूज करेंगे। और ये जो हमारी 4 फीट वाइड की एंट्री है, इसे हम जनरली यूज करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स, हमने गार्डन डिजाइन किया हुआ, जो कि हमारा 11 फीट 9 इंच बाई 8 फीट का हमारा गार्डन होगा। और ये जो हमारा गार्डन है, इसे हम सेट आउट पर्पज से यूज कर सकते हैं, जो कि काफ़ी बड़ा साइज है। यहाँ पर हमने पार्किंग एरिया डिजाइन किया हुआ है, जो कि हमारा 18 फीट बाई 15 फीट का हमारा पार्किंग एरिया है। और ये जो फ्रेंड्स हमारा पार्किंग एरिया है, इसमें अपनी एक कार और 2 से 4 बाइक बहुत आसानी से यहाँ हम पार्क करा सकते हैं। ये फ्रेंड्स हमारा ड्राइंग रूम का डिजाइन है, जो कि हमारा 11 फीट 9 इंच बाई 15 फीट का हमारा ड्राइंग रूम है। इसमें हमने एल शेप में एक सोफ़ा रखा हुआ है, जो कि एक सोफा हमारा 3 सीटर रहेगा, एक हमारा 2 सीटर रहेगा। यहाँ पर हमारा 5 फीट वाइड का एक विंडो रहेगा, जिससे हमारा इस ड्राइंग रूम का प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहेगा। और ये हमारा टीवी यूनिट का डिजाइन रहेगा। ये फ्रेंड्स हमने किचन डिजाइन किया हुआ है, जो कि हमारा 11 फीट 8 इंच बाई 8 फीट का हमारा किचन रहेगा। और इस किचन में भी हमने यहाँ पर एक 4 फीट वाइड का एक विंडो लगाया हुआ है, तो इस विंडो से हमारे इस किचन का वेंटिलेशन भी होता रहेगा। ये फ्रेंड हमारा एक पैसेज टाइप का रहेगा, जो कि 5 फीट वाइड का पैसेज है। और इसमें जैसे ही इसमें आगे बढ़ेंगे, तो हमारे घर की जो सेकेंड एंट्री हो रही है, वो हमारी इस डोर से हो रही है। इस डोर से हम अपने घर के अंदर आएंगे। यहाँ पर हमारा मेन गेट रहेगा। इस मेन गेट से जैसे इसमें आगे बढ़ेंगे, तो हम इस डोर से, ये हमारा स्टेयरकेस है, और स्टेयरकेस के जस्ट नीचे होके जाएंगे और यहाँ से हम अपने घर के अंदर आएंगे। और इसमें जैसे इसमें आगे बढ़ेंगे, तो हमें यहाँ पर ये डाइनिंग एरिया मिलेगा, जो कि हमारा 21 फिट 3 इंच बाई 11 फिट का हमारा ये डाइनिंग एरिया है। और इसी डाइनिंग एरिया में हमने यहाँ पर ये 5 फिट बाई 4 फिट का एक पूजा रूम बनाया हुआ है। और ये जो हमारा डाइनिंग एरिया है, इसमें हमने 6 सीटर डाइनिंग टेबल रखा हुआ है, जिसपे बैठ के अपनी फैमिली के साथ यहाँ खाना खा सकते हैं। और इसमें हमने जो हमारा डाइनिंग एरिया है, इसमें हमने 2 एंट्री दी हुई है। एक हमारी किचन की एंट्री है और एक हमारी इसमें डाइनिंग रूम की एंट्री है। यहाँ पर हमारा ये टीवी यूनिट रहेगा और ये हमारा विंडो रहेगा, जो कि काफ़ी बड़े साइज का है। तो इस विंडो से हमें इस डाइनिंग एरिया में काफ़ी सारा उजाला आता रहेगा। ये फ्रेंड्स हमारा स्टेयरकेस का डिजाइन है, जो कि हमारा ये जो हमारा डिजाइन है, वो हमने फर्स्ट फ्लोर के लिए एक रेंट आउट पर्पज से बनाने के लिए, या फिर अपनी सेपरेट फैमिली के लिए बनाने के लिए, वो हमने यहाँ पर ये स्टेयरकेस का डिजाइन किया हुआ है। ये हमारा फैमिली लॉबी का डिजाइन है, जो कि हमारा 14 फिट 8 इंच बाई 15 फिट 5 इंच का हमारा ये फैमिली लॉबी का डिजाइन है, जिसमें हमने एल शेप में 2 सोफे रखे हुए हैं। ये हमारा फैमिली लॉबी रहेगा। यहाँ पर हमारा विंडो रहेगा, जिससे हमारा इस विंडो से अपनी इस लॉबी के अंदर काफ़ी सारा उजाला आता रहेगा। ये हमारा कॉमन टॉयलेट का डिजाइन है, जो कि हमारा 6 फिट बाई 5 फिट का हमारा कॉमन टॉयलेट है। और ये हमारा डक्ट का डिजाइन है, जो कि हमारा 4 फिट बाई 5 फिट का हमारा डक्ट रहेगा। तो ये जो हमारा कॉमन टॉयलेट है, इसे फैमिली का कोई भी मेम्बर यूज कर सकता है। और यहाँ पर हमने बेडरूम डिजाइन किया हुआ है, जो कि हमारा 10 फिट 6 इंच बाई 13 फिट का हमारा बेडरूम है। इसमें हमने बेड डिजाइन किया हुआ है, ये हमारा टीवी यूनिट रहेगा। और इसमें हमने इस डक्ट में एक विंडो लगाई हुई है, जिससे हमारा इस बेडरूम का भी वेंटिलेशन होता रहेगा। ये फ्रेंड्स हमारा बैक साइड में 2 बेडरूम है। ये वाला जो बेडरूम है, ये हमारा 14 फिट 2 इंच बाई 13 फिट का हमारा बेडरूम है, जिसमें हमने बेड डिजाइन किया हुआ है। ये हमारा टीवी यूनिट रहेगा। और इस वाले बेडरूम के लिए हमने टॉयलेट से अटैच किया हुआ है, जो कि हमारा 8 फिट बाई 5 फिट 6 इंच का हमारा टॉयलेट है। और ये जो हमारा टॉयलेट है, इसमें हमने वादिंग एरिया को और टॉयलेट सीट को कम्बाइंड ही रखा हुआ है। और इस वाले बेडरूम में हमने यहाँ पर एक डोर का विंडो लगाया हुआ है, तो इस डोर से हम बैक साइड का जो यूटिलिटी एरिया है 11 फिट बाई 6 फिट 3 इंच का, इस एरिया में हम इस डोर से जा सकते हैं। और ये जो हमारा विंडो है, इस विंडो से हमें अपने इस बेडरूम में उजाला मिलता रहेगा। ये फ्रेंड्स हमारा फाइनल बेडरूम है, जो कि हमारा 4th रूम है। और ये जो हमारा रूम है, ये हमारा 11 फिट बाई 16 फिट का हमारा बेडरूम है। इसमें हमने बेड डिजाइन किया हुआ है, ये हमारी कवर्ड रहेगी, ये हमारा टीवी यूनिट रहेगा। और इस वाले बेडरूम के लिए हमने स्टोर रूम से ऐड किया हुआ है। तो ये जो हमारा स्टोर रूम है, ये हमारा 10 फिट बाई 5 फिट 6 इंच का हमारा स्टोर रूम है। और ये जो वाला स्टोर रूम है, इस स्टोर रूम में हम अपना डोर इस यूटिलिटी एरिया से भी लगा सकते हैं, या फिर आप इस पैसेज से देना चाहें, तो इस पैसेज से भी इस स्टोर रूम में हम डोर दे सकते हैं।
तो ये फ्रेंड्स हमारा मैप है, जो कि आप देखेंगे कि हमारा काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है, जिसमें हमारे ये तीन रूम हैं जो कि तीनों बेडरूम हैं, ये हमारा ड्राइंग रूम है, यहाँ पर काफ़ी बड़े साइज का गार्डन एरिया है, ये हमारा कार पार्किंग का एरिया है, यहाँ पर हमारा स्टोर रूम है, ये हमारा अटैच टॉयलेट रहेगा, ये हमारा कॉमन टॉयलेट रहेगा, यहाँ पर हमारा फैमिली लॉबी का डिज़ाइन है, ये हमारा डाइनिंग एरिया है, और यहाँ पर हमारा ये स्टेकेस है जो कि हमारा ये पैसेज रहेगा, और ये पैसेज हमारा इस स्टेकेस के जस्ट नीचे से होकर जाएगा। तो ये फ्रेंड्स हमारा मैप है, जो कि काफ़ी अच्छा मैप है, बढ़िया मैप है। तो फिलहाल की वीडियो फ्रेंड्स इतना ही, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा, यदि आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्लान के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।